हर खबर सच्चाई के साथ। एक तरफ तो बुलडोजर बाबा कहे जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए दिन रात अधिकारियों की मीटिंग लेकर उनको कानून व्यवस्था संभालने की नसीहत देते नहीं थकते हैं। वहीं दूसरी तरफ फरियादियों को कानून व्यवस्था से इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी बानगी बरेली के SSP कार्यालय में आई एक महिला फरियादी की वायरल वीडियो से देखने को मिली। SSP कार्यालय के बाहर फरियादी और पुलिसकर्मी के बीच अजीब मंजर देखने को मिला, जहां एक महिला जूते चप्पलों का हार बनाकर SSP ऑफिस पहुंच गई, जिसके बाद महिला की नज़र SSP कार्यालय में मौजूद एक दरोगा पर पड़ी। फिर क्या था, महिला उस पर चप्पलों का हार लेकर टूट पड़ी। हालांकि यह हाई वोल्टेज ड्रामा SSP कार्यालय से सड़क तक जा पहुंचा, जहां महिला ने दरोगा को कई बार चप्पलों से पीटा। हालांकि इस नोकझोंक में दरोगा ने भी फरियादी महिला को कई बार धक्का भी मारा। SSP कार्यालय के बाहर चले इस ड्रामे का वीडियो कई लोगों ने बनाकर वायरल भी कर दिया। वहीं फरीदपुर की रहने वाली महिला का आरोप है कि वहां रहने वाले लोगों ने उसके साथ कई वर्षों तक शारीरिक शोषण किया, जिसको लेकर वह SSP ऑफिस में शिकायत करने आई थी। इस दौरान SSP कार्यालय में प्रेमनगर में तैनात दरोगा मोहित चौधरी को देखकर महिला ने अपना आपा खो दिया और उस पर चप्पलें बरसानी शुरू कर दी। कुछ नहीं छोड़ा मैं, ना पुलिस ने और ना उन्हीं मेंबरों ना घंटा, और इसमें सुनील मेंबर भी था, और सुनील मेंबर था और विकास मेंबर था, पप्पू एंटीना था, जलील टेंट था, विकास मेंबर पप्पू एंटीना, सुनील मेंबर पप्पू एंटीना, सुनील मेंबर पप्पू एंटीना, सुनील मेंबर ठीक है, और गुड्डू मेंबर, दूसरा सुनील मेंबर, गुड्डू मेंबर दूसरा सुनील मेंबर, दूसरा सुनील मेंबर नरेश मेंबर, नरेश मेंबर, आमिर मेंबर, नरेश मेंबर, आमिर मेंबर। इस दरोगा ने कहा कि 10 मेंबर तेरी गवाही दे रहे हैं झूठी, और आधा गांव तेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, पूरा गांव तेरे खिलाफ गवाही दे रहा है। मैंने कहा बात सुनो, मेरे सामने पीछे पंचायत करते हो, दिल्ली निकले मुंबई होती हूँ मैं, ये बरेली मेरे सामने में, आप चौकी पे आई हो, अब तुम सबको मेंबरों को बुला लो, आधे गांव को बुलाओ, पूरे गांव को बुलाओ, किसी के नाम तो दरोगा पे क्या आरोप है, दरोगा पैसा खा के दबाए रहा सब मेरा। इस दरोगा ने कहा आसपास पुलिस के चौकी के सामने बता दीजिए, रेप हुआ तुम्हारा, किसी ने मेडिकल नहीं करवाया, मैं समझ आप भागी दौड़ी फिरी और बोला तेरा ढाई साल पहले काउंटर कर दूंगा, हाँ ढाई साल पहले काउंटर कर दूंगा तेरा, यहाँ से इनकाउंटर आइए मत, आज तक छागी मत, मुझसे बोला जितने जोर में लगा मिला लगा ले तू, चौकी को हड़वाए दे। मैंने कहा सुन, तेरा ना ठेका है ना तेरा बीमा है ना तेरी एजेंटी है इनकी, तेरी आज नौकरी है ना कल कहीं परसों कहीं, तूने जिंदगी ठेका लिया कहीं मरे, मैं मुर्दा गिर गया, तुझे जिंदे को मुर्दा, तुम्हें जेल भी भेजा गया, हाँ मैं जेल में बंद रहेगा आई हूँ, क्यों बंद रही यही बात, मैंने सबने जेल में भेजा, इसने पैसा खा के दी, किस मामले में जेल भेजा, इसी मामले में जेल भेजा है, एक गाड़ी लाया मोहित चौधरी, तुम्हें किस बात, मुझे हिंद बुलाया था कि जा तेरी चाच ही रही है, ढाई महीने में चाचा ही है, ठीक है साहब क्यों हुआ, मैडम ने कब भेजा था जेल, ढाई महीने, ढाई महीने पहले, रमजानों में तेरी जांच है रही, तेरी जांच का भी सबूत नहीं मिले, बहरी थाने मुझे नंबर दिया नहीं लिया, मेरा नंबर चौकी पे बहरी थाने में नंबर नहीं लिया, मुझे बैठा लिया, सब पुलिस बुलाई थी, इस बार का दिन रखा बरेली की सारी पुलिस थी, मैं सब पुलिस में देख रही थी, एक लेडीज हाथ में पकड़े किधर पकड़े, मुझे ले गई लेडीज पुलिस पहले अस्पताल में ले गई, मेरा रमजान था, मेरे रमजान मुक भी जाया मेरा, मेरी कोरोना थोड़ी कोरोना जा रही, समझ गया मैं, समझ गया, मैं और बोलूंगी अभी मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है तुमने, इसकी मेरी जाँच कराओ, इसकी रिपोर्ट कराओ। इसके बाहर एक महिला बहेड़ी क्षेत्र की जो कि काफी तेज से चिल्लाती हुई आई और एक दरोगा से उलझ गई, जब पूरा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए पता करने की कोशिश की गई तो ये पता चला है, प्रथम जो दृष्टि में आया है कि इस महिला ने कई अलग अलग प्रार्थना पत्र पिछले थानों पर दिए, अलग अलग स्तरों पर दिए, जिनमें अधिकांश मामलों में दरोगा या जो भी विवेचक जाँच अधिकारी रहे हैं उनमें ये पाया गया कि उनके जो आरोप हैं असत्य पाए गए, या अन्य मामलों में उनके द्वारा समझौता कर लिया गया जिसकी ये छाया प्रति इसमें लगी हुई है, और ये जो दरोगा जी आए इन्होंने भी एक जांच उसी करी थी, तो इसी बात को छुप धो करके इस महिला ने पीछे से धक्का देने की कोशिश करी और तेजी से आवाज़ में गाली गलौज इत्यादि करते हुए, ऐसा प्रथम दृष्टा प्रतीत हो रहा कि मानसिक रूप से अभी स्थिर नहीं है वो, और उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है महिला थाने में,
काउंसलिंग बुला करके डॉक्टरों की टीम भी बुलाई गई है और कोशिश की जा रही है कि वो शांतचित्त होकर अपनी बात कहें और एक बार फिर से हम रिव्यू करेंगे क्या बात उनकी कितनी उसमें सच्चाई है या कितनी उसमें क्या चीज़ें हैं और अग्रिम कार्रवाई जो सच होगा उसके आधार पर की जाए। सर, महिला ने जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें क्या आरोप लगाया है, क्योंकि उसमें रेप की कोई बात सामने आ रही है। ये जो प्रार्थना पत्र कई बार अलग अलग पटलों पर वो दे रखी है और कई बार उसमें जांच भी हो रखी है, उसमें 15 वर्ष पूर्व की हवाला उसने दे रखा है किसी व्यक्ति के नामजद कि वो व्यक्ति से उसने उसके साथ दोस्ती करी और शादी किसी दूसरे के साथ कर ली। अलग अलग समय पर इसकी जाँचें भी हुई हैं और 15 वर्ष पूर्व का प्रकरण है, उसको भी पुनः उसको गहराई से उसको देखा जाएगा और काफ़ी मानसिक रूप से मतलब अभी फिलहाल वो शांतचित्त नहीं लग रही हैं और उनसे शांत जब वो शांत हो जाएंगी तो बात करी जाएगी, काउंसलिंग कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक। A1 News India, हर खबर सच्चाई के साथ।